हेलो दोस्तों, कैसे हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूंगा सिद्रा की केवाईसी के हवाले से। अगर तो आपको इस तरह की शो होती है या फिर होती है इस तरह की या फिर होती है इस तरह की, तो ये तीनों स्टेटस मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। अगर तो आपको आपका स्टेटस इन तीनों में से कोई एक भी है तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि आपने उसके लिए क्या करना है। जुड़े रहना है आपने वीडियो के साथ, वीडियो को एंड तक देखना है। अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करें, साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करें और व्हाट्सएप चैनल लाजमी ज्वाइन करें और टिकटॉक अकाउंट भी लाजमी फॉलो कर लें। सो दोस्तों, सबसे ज़्यादा मसला जो सिद्रा की केवाईसी में आ रहा है वो आपके डॉक्यूमेंट्स तो अपलोड हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर पेंडिंग में चले जाते हैं, अप्रूव नहीं होते। ये कुछ सिनेरियो जो आपका आया हुआ है तो ये इस वीडियो के अंदर मैं आपका क्लियर करवाऊंगा। ट्राई करते हैं, क्योंकि पहले सिस्टम मेंटेनेंस पे था, अब जो है वहाँ से हटा है, अब जो है वो नॉर्मल वर्क कर रहा है। अब एक तरीके के साथ, एक ट्रिक के साथ हम यहाँ पे अपनी केवाईसी करेंगे। अगर तो मेरी सबमिट हो जाती है तो फिर आपकी भी हो जाएगी। जो तरीका कंपनी ने बोला है उस तरीके से हम अपनी केवाईसी करेंगे। अगर तो आपको कुछ इस तरह का स्टेटस शो होता है तो इसका मतलब ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स या तो पूरे अपलोड नहीं हुए या तो फिर आपने अपलोड किए ही नहीं हैं। तो अगर आपको ग्रीन इस तरह का शो करवाता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी केवाईसी पास है और आप यहाँ पे अपने टोकन स्वैप करके सेल आउट भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक एहतियातन आपको बात कर देता हूँ, किसी अनजान बंदे के साथ सिद्रा की डील नहीं करनी आपने। अगर तो सिद्रा बेचने आपने तो मेरे साथ भी रब्ता कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें, उसके अंदर मैं बाजूकात अपना नंबर शेयर करता रहता हूँ, आप टोकन मेरे साथ डील कर सकते हैं। आप अगर स्कैमर से बचना चाहते हैं मार्केट के अंदर सिद्रा के नाम से, सिद्रा की पेड केवाईसी, कि अगर आपकी केवाईसी नहीं हो रही, पेड केवाईसी हम करके देंगे आपको। तकरीबन 2 करोड़ का नुकसान हुआ है अभी इधर ही हमारे पाकिस्तान पंजाब लहिए के लोगों ने स्कैम किया, तो एहतियात आपको बरतनी होगी, ख्याल आपका आपको करना होगा। आपकी मेहनत है भाई, आप खुद खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, किसी को अपना हक के 1 रुपया ना खिलाएं। तो चलता हूं मोबाइल की स्क्रीन पे, आपको सारा प्रोसीजर केवाईसी का करके बताता हूं। दोस्तों मैं आ चुका हूं मोबाइल की स्क्रीन पे। यहाँ पे एक अकाउंट है मेरे पास यहाँ पे, जिसका लोगो आपको ग्रीन नज़र, सॉरी ब्लू नज़र आ रहा है। तो कुछ जो है आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ये जो बॉक्स बना हुआ है ना, इसके जो कोने हैं ना, वो जिसके ग्रीन है इस तरह, इसका मतलब है कि उनकी केवाईसी वेरीफाई हो चुकी है, उनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब अगर कुछ लोगों का यहाँ पे ये जो लोगो है, ये मेरा इस अकाउंट का जो है ब्लू आ रहा है, तो जिनका जो है इस कलर का है, मतलब कि जैसे वाइट कलर का समझ लो या फिर इस तरह का जो है आ रहा है, तो फिर वो लोग क्या करेंगे, वो लोग भी ये वीडियो देखें, जिनका ब्लू है वो भी वीडियो देखें और जिनका ग्रीन है वो यहाँ से छोड़ के जा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ये जो कलर शो हो रहा था आपको, क्या कलर शो हो रहा था, ब्लू, ब्लू के ऊपर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मेरा अकाउंट लॉग आउट हो गया था, लॉगिन किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का जो है शो करवाएगा कि व्यू डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। जो ही यहाँ पे व्यू डॉक्यूमेंट्स आपको शो करेगा, तो इसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारा डाटा जो है आपने यहाँ पे दिया होगा। अब जो है केवाईसी हम करेंगे ई केवाईसी, यहाँ पे देखें ई केवाईसी डॉक्यूमेंट लिस्ट। तो पहले हमने की थी केवाईसी, अब आ गई है केवाईसी। यहाँ पे देखें, पहले मैंने की हुई है, ये जो है अंडर रिव्यू है। अब हम ई केवाईसी करेंगे, तो यहाँ पर जो है हमने स्पेस दी थी, स्पेस नहीं देनी थी, तो ये बहुत सारे मसले थे, तो मैंने जो है इसमें पंगा किया था। अब हम एक फ्रेश न्यू केवाईसी करने वाले हैं। ऐड न्यू डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे आईडी कार्ड कर दूंगा, डॉक्यूमेंट टाइप में नेशनैलिटी, आपको पता है हमारी पाकिस्तान है, आपकी इंडिया है, आपकी बांग्लादेश है, आपकी जो भी है, आपने अपना कंट्री यहाँ पर लगा लेना है। मेरा कंट्री प्यारा पाकिस्तान, यहाँ पर आ गया। लैंग्वेज जो है CNC, मेरा स्मार्ट कार्ड है जिसके ऊपर उर्दू और इंग्लिश है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा उर्दू। ठीक है, यहाँ पे आप दोनों भी कर सकते हैं, इंग्लिश भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। डॉक्यूमेंट्स आईडी के अंदर वो कहता है डॉक्यूमेंट्स आईडी लिखो, यहाँ पे मैं लिख दूंगा CNC नंबर। एक मिनट, आपको मैं ऐसे बता देता हूँ पहले ना। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा अपना डॉक्यूमेंट्स आईडी, उसके बाद गिवन नेम, जो मेरा आईडी कार्ड के ऊपर पूरा नाम होगा मैं वो लिखूंगा,
फैमिली नेम मैं अपनी वल्दियत लिखूंगा, मैं अपना सनफ लिखूंगा। अगर आपके वाली साहब का नाम है, वाली साहब का नाम लिखें, आपके शोहर का नाम, आपके हस्बैंड का नाम जो भी है वो आपने वो लिखना है, ठीक है। अगर आप फीमेल हैं तो, अगर आप मेल हैं, आपका नाम पहला, आपका जो ओरिजिनल नेम है वो आपने यहाँ पे गिवन नेम के अंदर जो है डालना है। अपनी वल्दियत सनफ जो है वो आपने, फादर नेम है, हस्बैंड नेम है वो आपने यहाँ पर लिखना है। इसके बाद जो है डेट ऑफ बर्थ है, तो इसको साइलेंट कर देता हूँ मैं। तो इसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। आपको पता है डेट ऑफ बर्थ के अंदर यार क्या अजाब है, कसम से जलील हो गया हूँ मैं। डेट ऑफ बर्थ जो है पहले आपने ईयर लिखना है कि 2020 पूरा या 2021। यार यहाँ पे आपने ईयर लिखना है पहले, उसके बाद मंथ कि कौन सा महीना था और कौन सी डेट थी वो आपने यहाँ पे लिखना है। इसके बाद नीचे आता है इशू डेट और आती है एक्सपायरी डेट। तो यहाँ पे आपने ये ऑप्शनल है, ये अगर डालें आपकी मर्ज़ी, अगर ना डालें कोई मसले वाली बात नहीं है। तो मैं ये अपना पुट कर लूँ पहले, तो मैंने टाइप कर दिया। अब यहाँ पर मैं सेव चेंज के ऊपर क्लिक कर दूँगा, तो यहाँ पर सेव चेंज के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे अब वो कह रहा है फ्रंट आईडी, यहाँ पे हमने देनी है दो पिक्चर। फ्रंट आईडी पहले मैं अपने शनाख्ती कार्ड की पिक्चर डालूंगा, उसके बाद फिर फ्रंट इमेज आएगा उसके ऊपर मैं सीएनसी अपना अपने हाथ में लेके यहाँ पे पिक डालूंगा। मैंने अपने कार्ड की फ्रंट इमेज डाल दी। अब फ्रंट ऑफ आईडी टेक अ सेल्फी, यहाँ पे आपने देखना है, समझना है। अब यहाँ पे मैं अपने सीएनसी को पकड़ूंगा अपने हाथ के अंदर, फिर मैं अपनी सेल्फी लूँगा। यहाँ पे मैंने अपनी सेल्फी जो है वो पुट कर दी है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अब मैं चलूँगा, ये देखें फ्रंट ऑफ आईडी, आईडी डॉक्यूमेंट्स के अंदर मेरा आईडी कार्ड और सेल्फी के अंदर आप देखें मेरी पिक्चर विद मेरा आईडी कार्ड जो है मैंने डाल दी। अब वो कह रहा है अपलोड योर आईडी बैक ऑफ आईडी। अब यहाँ पे भी वैसे करना है, ये मैं अभी कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम बचे। मैं आईडी कार्ड की बैक पिक्चर दूंगा और उसके बाद मैं आईडी कार्ड जो है उसको बैक पकड़ के तो उसकी दोबारा सेल्फी लूँगा जी। बैक इमेज मैंने डाल दी और अपनी जो है मैंने जो सेल्फी बनाई उसमें हाथ में उल्टा आईडी कार्ड पकड़ के वो भी मैंने डाल दिया। तो मेरी जो पहले केवाईसी हो चुकी थी उसमें मेरा फेस ट्रैकिंग हो चुका था। अब यहाँ पे वो मुझे बता रहा है फेस ट्रैकिंग कंप्लीटेड, मतलब मेरी फेस वीडियो यहाँ पे नहीं डलेगी, वो हो चुकी है। इसके बाद हम करते हैं सबमिट, इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो यहाँ पे वो सारी मुझे मेरी डिटेल बता रहा है। डिटेल बताने के बाद जो है, अच्छा जी यहाँ पे मैं सारा डाटा अपना जो है दे चुका हूँ। अब ये आईडी कार्ड आ गया, तो वीडियो यूट्यूब वाले रिमूव ना कर दें। ये रिव्यू योर इन्फॉर्मेशन, ये रिव्यू में चला गया। अब सबमिट करके देखते हैं कि यहाँ पर मेन मसला आता है फ्रंट इमेज इज़ रिक्वायर्ड। तो ये मसला अभी भी आ रहा है फ्रंट इमेज वाला। फ्रंट इमेज जो है आपको दोबारा, वो कहते हैं आपको दोबारा पुट करनी पड़ेगी फ्रंट इमेज। हालांकि हमने अपनी इमेज भी सही दी, आईडी कार्ड की भी फ्रंट इमेज हमने जो है सही दी, फिर भी ये मसला आ रहा है। तो ये समझ से बाहर है, ये अभी भी आ रहा है। मैंने काफ़ी लोगों से ये तहकीकात की, तो कुछ लोगों की पास हो जाती है। आप बार बार अगर ट्राई करें तो कुछ लोगों का जो है ये सबमिट हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों का सबमिट नहीं होता। आप जब आपको फ्री टाइम मिले, आपने ये सबमिट कर दिया ना, ये डाटा आपका इनके पास सेव हो जाएगा। तो आप जो है जब आपको टाइम मिले फिर आप इसमें जो चीज़ रिक्वायर्ड हो वो आप डाल के जो है दोबारा कोशिश करके देखें, मे बी जो है यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाए आपका भी। तो मैं तो कितनी बार कोशिश कर चुका हूँ और मैंने जिनसे भी बात की है तो काफ़ी लोगों की यहाँ पे पास भी हो गई है और काफ़ी लोगों की नहीं भी हुई। आप करके देखें, तो अगर आपकी पास होती है तो ठीक है, अगर नहीं होती तो फिर इनकी ऑफिशियल कोई अनाउंस की फिर हम कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वेट करते हैं। वो जो ही आती है फिर वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो फिर जो है हम यहाँ पे अपनी केवाईसी को दोबारा जो है हम करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपके सामने ये इशू जो है बहुत ज़्यादा आ रहा है, फ्रंट इमेज इज़ रिक्वायर्ड, बहुत ज़्यादा लोगों को ये मसला आ रहा है। तो आप बार बार ट्राई करें, अगर हो जाती है ठीक है, नहीं होती तो फिर हमें वेट करना पड़ेगा। तो आपके सामने मैंने कोशिश की लेकिन कोशिश बेसुध गई। तो इनकी पहले सिस्टम इनका मेंटेनेंस पे था, अब हट गया, लेकिन फिर भी वही मसला आ रहा है। तो चलो कोई नहीं, बहरहाल वेट कर लेते हैं अभी।
अगर तो किसी ने अपनी केवाईसी कर ली है किसी तरीके से, तो वो जो है कमेंट भी कर सकता है या पर्सनल मेरे साथ व्हाट्सएप पे इस हवाले से डिस्कशन भी कर सकता है। बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच।